हाय फ्रेंड्स, आज हम छंद पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से छंद बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी के पेपर में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। उससे पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। आपको एक ऐसा आइकॉन दिख रहा होगा, ठीक है, सब्सक्राइब का। इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इससे फ़ायदा होगा। अभी मैं इसके बाद अलंकार का वीडियो अपलोड करूँगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस वीडियो का लिंक कहाँ मिलेगा। आप चैनल से डायरेक्ट जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करके ज़रूरतमंद लोगों तक तो पहुंचाएं, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं छंद, ठीक है। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। पहले हम देखते हैं छंद होता क्या है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो छंद शब्द संस्कृत के छिदी धातु से बना है, ठीक है। छिदी शब्द का अर्थ है ढकना या आच्छादित करना, ठीक है। तो छिदी शब्द का अर्थ क्या है? ढकना या आच्छादित करना। सर्वप्रथम छंद शब्द की चर्चा जो है ऋग्वेद में आई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, छंद शब्द की सर्वप्रथम चर्चा जो है ऋग्वेद में आई है। अब परिभाषा देखते हैं छंद की क्या होती है। तो जिन रचनाओं में वर्ण मात्रा यति गति तुक आदि पर बल दिया जाता है, ठीक है, वे छंद कहलाते हैं। फिर से देखिए एक बार परिभाषा, ध्यान से देखिएगा। जिन रचनाओं में वर्ण मात्रा यति गति तुक आदि पर जो है बल दिया जाता है, वे छंद कहलाते हैं, ठीक है। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद चार प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और जो है उभय छंद और मुक्तक छंद, ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं वर्णिक छंद क्या है। तो केवल वर्ण गणना के लिए, ठीक है, केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद जो है वर्णिक छंद कहलाता है, ठीक है। फिर से देखिए, केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है, ठीक है। इन छंदों में वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो जो वर्णिक छंद होते हैं उनमें जो है वर्णों की संख्या और नियम का जो है ध्यान रखा जाता है। तो अगला है मात्रिक छंद, ठीक है। ये मात्रिक छंद ही हमारे सिलेबस में है, हर एग्ज़ाम में कंपटीशन में पूछता है मात्रिक छंद क्या होते हैं। तो मात्राओं के आधार पर अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे जो है छंद को पहचानते हैं, ठीक है। तो मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना व्यवस्था होती है, ठीक है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। इन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पूरा पूरा ध्यान तो रखा जाता है, किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है। जैसे राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, ठीक है। तो इसमें देखिए आप जो है, इसमें जो है दोनों चरण में 16 मात्राएं हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको मात्रा की जो है गणना करना में बता दूंगा। जैसे कि ये राम है, ठीक है, तो अभी मैं आपको लघु और गुरु के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप जो है हम आगे बढ़ते हैं, आपको कैसे बताएंगे कि कैसे मात्राओं की गणना करके छंद पहचानते हैं, ठीक है। तो हिंदी के हम प्रमुख छंदों की बात करेंगे, ठीक है। तो उनमें जो है प्रमुख छंद जो हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं, उनका मैंने कलेक्शन किया है आप लोगों के लिए। तो ध्यान से पूरी परिभाषा को सुनिएगा। तो हम देखते हैं, जो पहला मात्रिक छंद है दोहा, ठीक है। तो दोहा जो होता है इसमें चार चरण होते हैं, ठीक है, तथा पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो दोहा में जो है चार चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में जो है 11 11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए ये जो है आपका एक दोहा है, उसका उदाहरण मैंने लिखा है। तो यहाँ से लेके जहाँ कामा लगा है यहाँ तक ये इसका पहला चरण है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसका दूसरा चरण है। तो इसमें जो है टोटल, ठीक है, 13 मात्राएं होंगी, इसमें जो है 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो ये सिंबल आपको एक पाई का दिख रहा होगा, ठीक है, इसको हम लघु कहते हैं, ठीक है। और एक इसका ये फाइव आकार का कुछ कुछ एस टाइप का जो है एक जो है सिंबल दिख रहा है, तो इसको गुरु कहते हैं, ठीक है। तो इसका नियम क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि तब आगे बढ़ता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जो छंद शास्त्र है उसमें
को लघु और दीर्घ को जो है गुरु बोलते हैं, ठीक है, और दीर्घाक्षर को गुरु कहते हैं, जिसका चिन्ह जो है ये एस टाइप का होता है, ठीक है। इसके विपरीत ह्रस्वाक्षर को लघु कहते हैं, जिसका चिन्ह पाई है, ठीक है, ये आपको पाई दिख रही है, ठीक है। लघु और गुरु के नियम क्या हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत लंबा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कुछ कुछ मैं बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कि जैसे कि मान लीजिए अगर ये बड़े ऊ की, ठीक है, या फिर बड़े ई की मात्रा है, तब यहाँ पे जो है काउंट होगा क्या कि इस पे मात्रा लगी है, ठीक है, तो वहाँ ये गुरु का सिंबल बनाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ दो काउंट करेंगे। अगर ये लघु का सिंबल है तो ये इसको एक काउंट करेंगे, जैसे कि प है, इस पे कोई मात्रा नहीं लगी है, तो इसको इस पे हम ये पाई का सिंबल बनाएंगे, इसको एक काउंट करेंगे गिनने के लिए कि कितनी मात्राएँ हैं, ठीक है। ऐसे ही जो देखिए ये संकट है, तो इस पे ये अंग की बिंदी लगी है, ठीक है, तो जहाँ अंग की बिंदी होगी इसको जो है हम गुरु काउंट करेंगे, ठीक है, यानी कि इसमें मात्रा लगी है तो ये एस वाला सिंबल बना देंगे। ऐसे ही आगे भी है, ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप आगे भी, ठीक है। तो क्योंकि इससे इसी से आपको काउंट करना है, इसी से आप पूरे छंद के जो है मास्टर बनेंगे, छंद को पहचान पाएंगे। तो पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुर भूप। तो ये जो है दोहा का उदाहरण है, ठीक है, तो इसको आप जो है एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ लेता है, ये बहुत ही पूछा है, ये है क्या चीज़, दोहा है छंद है, तो आप इसको ऐसे जान लीजिए। अब इसकी मात्राएं गिननी है तो ऐसे ही मतलब आप काउंट कर सकते हैं, देखिए यहाँ मैंने सिंबल बना के जो है किया है, 1 2 3 4 5 6, फिर ये 2 8, 1 9 1 10 11 12 13, ठीक है। तो इसके पहले चरण में 13 मात्राएँ हैं, तो दूसरे चरण में जो है ये देखिए 2 1 3 1 4 2 6 1 7 2 9 1 10 11, तो दूसरे चरण में जो है 11 मात्राएं हैं। तो वैसे भी आगे भी है, तो बार बार मैं बताऊंगा नहीं, इस चीज़ को बार बार आप जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये रूल्स जो है बहुत लोग इसमें परेशान रहते हैं कि समझ में नहीं आता है। अगला जो है मात्रिक छंद है सोरठा, ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। यह दोहे के विपरीत होता है, तो ये दोहा है, दोहा में क्या था और इसमें क्या है भी देखते हैं हम। तो ये दोहे के विपरीत होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो यही आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो इसके पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं, और जो है पहले और दूसरे तीसरे में कितनी है, और दूसरे और चौथे में कितनी है। तो इसके सोरठा के जो है पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं, और दूसरे और अंतिम यानी कि चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। जैसा उदाहरण देखते हैं हम, मूक हुई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु संकल कलिमहल दहन, ठीक है। तो इनमें भी आप मात्राओं को ऐसे काउंट कर सकते हैं, मैंने सिंबल बना दिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको काउंट कीजिए बैठ के, ठीक है। तो अगला है चौपाई, ठीक है, चौपाई क्या होती है, चौपाई में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं, तथा चरणों के अंत में गुरु यानी कि दीर्घ के बाद लघु ह्रस्व वर्ण नहीं आता है। जैसे मैंने अभी आपको गुरु और लघु का सिंबल बताया था, ठीक है, तो फिर से सुनिए इसको, चौपाई में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक में 16 मात्रा होती है, तथा चरणों के अंत में गुरु के बाद लघु ह्रस्व नहीं आता है, ठीक है। गुरु लघु या मतलब वो जो है लघु को ह्रस्व कहते हैं, गुरु को दीर्घ कहते हैं, ठीक है, तो दीर्घ के बाद ह्रस्व नहीं होगा यानी कि गुरु के बाद जो है वो लघु नहीं आएगा। पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं, अर्थात प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए पदों के अंतिम अक्षर समान हैं, काजा राजा, तो जा जा समान है, ठीक है, ई ई, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसका उदाहरण चौपाई का, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, और गरल सुधा रिपु अमिय मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, ठीक है। तो ये चौपाई का एक उदाहरण है। अगला है रोला, ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो रोला में 4 चरण होते हैं और इसमें 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम होता है, ठीक है। तो जो 11वां पॉइंट है और 13वां जो है विराम होता है वहाँ पे, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक
ठीक है, यहाँ देखिए, तो इसका उदाहरण क्या है? उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, और तुम्हें वरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। ठीक है, तो ये रोला का उदाहरण है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कुंडलियों पे। ठीक है, तो कुंडलियां क्या होती हैं? इनमें भी ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि किसमें कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो आप मेन चीज़ को याद रखिएगा कि किसमें कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं। तो कुंडलियों में 6 चरण होते हैं, प्रारंभ में एक दोहा और पश्चात में रोला होता है। ठीक है, तो देखिए शुरू में एक दोहा है, इसके बाद जो है एक रोला है। ठीक है, जो शब्द अधिकतर इसके आदि में आता है वही इसके अंत में लगता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए, खेत खेत, इने दीने, ये अचंभा खंभा भा भा, ठीक है, ने ने त त, तो ये चीज़ आप जो है ध्यान में रखिएगा। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, उदाहरण है, रंभा झूमत हो कहाँ, थोड़े ही दिन हेत, और तुमसे केते हैं गए, अरु हुए हैं इति खेत, अरु हुए हैं इति खेत, मूल लघु खाता ही ने, और ताहू पै गज रहे दिठी तुम पै अति दीने। ठीक है, वरनय दीन दयाल हमें लखी, होत अचंभा, और एक जन्म के लागी कहाँ झुकी, झूमत रंभा। ठीक है, तो ये कुंडली का उदाहरण था। अगला है बरवय। ठीक है, तो बरवय के बारे में बार बार एग्जाम में पूछता है, ध्यान से परिभाषा को सुनिएगा और दिमाग में बैठाइएगा। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो प्रथम और तृतीय चरण में कितनी होती हैं? 12 होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में 7 मात्राएं होती हैं, तथा प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसका। वाम अंग शिव शोभित शिवा अदार, और शरद सुवारद में जनु तड़ित विहार। ठीक है, इसमें भी आप मात्राएं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है गुरु का सिंबल है, ये लघु का सिंबल है, इस पे वा वा पे आ की मात्रा लगी, इसलिए यहाँ पे जो है गुरु का सिंबल, इसको 2 काउंट करते हैं, इसको 1 काउंट करेंगे, 2 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 10, 2 11। ठीक है, सॉरी कहीं मिस्टेक हो रहा है, 2 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 8, 2 10, 2 12। ठीक है, तो पहले चरण में 12 हो गई। ठीक है, पहले और तीसरे में 12 होंगी, और दूसरे और चौथे में जो है 7 मात्राएं होंगी। ठीक है, गिन भी सकते हैं आप, 2 1 3, 1 4, 2 6, 1 7। ठीक है, तो अंतिम है हरि की इति का। ठीक है, तो इसको ध्यान से, इसकी परिभाषा को सुनिए और दिमाग में बैठाइए। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, हरि गीतिका के जो है प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, तथा 16 और 12 मात्राओं पर यति लगा होता है। ठीक है, तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग प्रचलित है। ठीक है, तो फिर से एक बार जो है परिभाषा को देखिए। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, तथा 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है, तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग प्रचलित है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। ठीक है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमके कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ठीक है, अगला वीडियो मैं अलंकार का लेके आऊँगा, देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप देख सकें, वीडियो को लाइक कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद।